इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। देखा प्रभु, मैंने क्यों मना किया था तुम्हें। दीदी दीदी, इतनी चिंता की कोई बात नहीं है, वहाँ कोई नहीं जाता, सिर्फ सड़ी चीजें ही जल के। आप बार बार एक ही बात क्यों कह रही हैं अनु मौसी? आपकी बात सुनकर क्या लग रहा है पता है? ऐसा लग रहा है कि आपने पहले से ही बहाना बनाकर रखा था आग का कारण बताने के लिए। सच कहो तो आप असली बात पर पर्दा डालना चाहती हो, है ना प्रमिला? अनु ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम उससे इस तरह से बात कर रही हो? ये मत भूलो कि ये अभी भी हमारे घर की मेहमान है। अनु मौसी, हाथ पर मिट्टी कैसे लगी? मैंने आनंद दा को इस स्वदेशी मेले में आने के लिए बोला है। मुझे वहां ले जाओगे शरद, या जाने की व्यवस्था कर दोगे? मैं और शुभी कल जाएंगे, तुम भी चलना, और अनंदा को बोलना देश माँ को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि खुद की माँ की उपेक्षा करनी होगी। शरद, प्रसाद लिए बिना जा रहे हो? ओ हाँ, याद नहीं रहा। तुम तो कभी नहीं भूलते। आखिर बात क्या है शरद, कल की बात को लेकर परेशान हो? तुम बाबा से एक बात कहोगी माँ? बोलो। मुझे थोड़ा समय देने बोलोगी? जरूर कहूंगी, मैं भी तो उसे देखूंगी। बिना देखे शादी की बात थोड़ी पक्की होती है। मैं चलती हूँ। हमें आगे बढ़ना ही होगा। ये सब चीजें बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे एक स्वदेशी भंडार खोला जाएगा। अपने देश की चीजों का उपयोग करने के लिए सबको जागृत करना होगा। ये सब क्या कह रही हो तुम? ये सब कौन सिखाता है तुम्हें? ठीक है, ये सब बातें करने की अभी जरूरत नहीं है। अजीत, तुम इसका सामान लेकर जाओ और इसका ध्यान रखो। हाँ, उसे जाने दो। हाँ जाने दो, जाने दो, जाने दो। मुझे क्या, इसकी शादी की तो किसी को चिंता नहीं है, लेकिन स्वदेशी मेले की चिंता हो रही है। जाओ जाओ। अभी चारों ओर फैला देना चाहिए, गाना कविता जिसको जो मर्जी है सुना सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं स्वयं श्री रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने कहा है कि आज मेले के मंच पर कोई भी गाना या कविता सुना सकते हैं, लेकिन जो भी सुनाना है वो हिंदी में सुनाना होगा। आप लोग सुन रहे हैं? बिनु, औरोबिंदो बाबू आए हैं क्या? स्वदेशी चीजों की उपयोग के बारे में उनकी राय तो बहुत ही जरूरी है ना? नहीं गुरुदेव, वो तो अब तक आए नहीं। ये क्या, कहाँ है वो? ठीक है, चलिए देखता हूं क्या मामला बनाते हैं आप लोग। लेकिन जानते हैं मिस्टर ह्यू, इससे मेरे देश के लोग नहीं डरेंगे। देश से प्रेम करने का बीज उन्होंने अपने दिल में डाल लिया है, रोक नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए। को बेच के जो पैसे आएंगे वो हमारे देश के लोगों को ही मिलेंगे, अंग्रेज व्यापारियों को नहीं मिलेंगे, तभी तो हमारे देश की उन्नति होगी। आपने पहले क्यों नहीं बताया भैया? कटक में माने जो पैसे रखने के लिए दिए थे वो मैं लेकर आ जाता। क्या मैं चंदा नहीं दे पाऊंगा? देगा ना, जरूर देगा। रुक, ये ले, अपने हाथों से देकर आ। वहां देखो कितनी रंग बिरंगी पतंगे।
एक पतंग खरीद लो। ये ले जा। ध्यान नहीं दिया, माफ कीजिएगा। ये वाली हाँ। आप स्वदेशी चीजों के उपयोग में विश्वास रखती हैं? हाँ, अगर हम लोग स्वदेशी चीजों का उपयोग करें तो तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, और यही हमारा कर्तव्य है। अच्छा सुभाष, तुमने कभी रविंद्रनाथ टैगोर के गाने सुने हैं? हाँ, बड़ी दीदी गाती हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी आवाज में? नहीं तो, आज क्या वो खुद गाने वाले हैं? चलो सुनने चलो। अनंतदा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कल घर पर क्या घटना घटी। दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं किया। कहाँ जाएंगे, किधर आश्रय लेंगे, कहाँ उन चीजों को रखेंगे, और तभी तुम्हारा चेहरा सामने आया। ये लीजिए। ये क्या है? विधवा औरत के पास ज्यादा क्या हो सकता है? एक हार था, उसे बेचकर जितना मिला है वो तुम्हें दे रही हूँ। तुम अपने सामानों को ऐसे खत्म मत करो अनुपमा, खुद की जरूरतें भी तो होती है कि नहीं? खुद की जरूरतों से देश की जरूरतें ज्यादा है। इस बार गाने, कविताएं, भाषण, ये सब लिखा जाता है। माँ को कैसे पुकारते हो? माँ। फिर माँ जिस भाषा में बात करती है वही तुम्हारी भाषा है, वही तुम्हारा परिचय है। और अपनी भाषा ना जाने बिना अपने देश को भी नहीं जाना जा सकता, और खुद को भी नहीं जाना जा सकता। मिस्टर टैगोर, यहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, वो मैं जानकी को समझा बुझा के बोलूंगा। मुझे लगता है बहू, अक्षय बाबू को हम लोग आमंत्रित करते हैं। वो लोग आएंगे तो हम थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी, उसके बाद सोच समझ कर आगे बढ़ा जाएगा। और मुझे लगता है कि जानकी की भी यही इच्छा है। आप लोगों के फैसले के खिलाफ मैं कभी भी नहीं गई हूँ दादा। जो आपको ठीक लगे आप वही कीजिए। देवा दीदी की तो वहाँ पर दुकान थी। पता है माँ, मेले में विभा दीदी की दुकान पर एक साहब ने आकर उनकी सारी चीजों को खराब बोल दिया, लेकिन मछले भैया ने हिम्मत दिखाकर कहा कि ये चीजें आप लोगों को बेचने के लिए नहीं है। सब हमने खरीद ली माँ। वो पुलिस वाला बहुत बुरा था, ठीक किया ना मछले भैया ने? क्या तुमने फिर से साहब से बहस की है शरद? अब आज से ये सब बंद करो। अरविंदो बाबू को छुड़ा कर लाना ही पड़ेगा, उनकी गिरफ्तारी का मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। और उसके लिए तो वकील चाहिए, और वकील के लिए पैसे। इसमें कुछ पैसे हैं, अनुपमा ने आज ही दिए मुझे। ये तो बहुत पैसे हैं। हाँ, बहुत पैसे हैं। जितना था उसने सब दे दिया मुझे, मना करने के बावजूद भी। वो देश की बेटी का ये दान मुझे स्वीकार करना ही होगा। अनुपमा से कहना उसका ये दान हम लोग अरविंदो बाबू को छुड़ा कर लाने में उपयोग करेंगे। बताओ क्यों? हम अगर देश से प्यार करते हैं तो हमें देश की भाषा, खेल के बारे में जानना चाहिए, लेकिन हम तो हिंदी भी अच्छे से नहीं जानते। सुफी,
खेल तो ठीक है, लेकिन एक और भाषा, अंग्रेजी, लैटिन, फिर हिंदी, अरे बाप रे, और नहीं होगा। मुझे बहुत शर्म आती है छोटो मामा, हर कोई अपनी भाषा जानता है और मैं अपने देश की भाषा पढ़ भी नहीं सकता। कुछ तो करना ही होगा मुझे, कुछ तो करना ही होगा। माँ भाई बहनों के अलावा और किसकी जिम्मेदारी है तुम पर शरद? इस तरह चुप मत रहो शरद, जवाब दो। तुम्हारे पिताजी जिस चीज से डर रहे हैं कहीं वो बात सच तो नहीं है ना? तुम भी वो मुहरी के लड़के की तरह किसी परेशानी में तो नहीं फंसे हो ना? क्या रे छोटी, आशीर्वाद दे, वो तो इसीलिए यहाँ खड़ी है। क्या रे छोटी, आशीर्वाद दे, वो तो इसीलिए यहाँ खड़ी है। क्या हर आशीर्वाद मुंह से बोलकर दिया जाता है दीदी? चाची माँ, हम लोग विभावती को लेकर छत पर जाएं? जाओ। विभा दीदी, मैं आपका हाथ पकड़ कर ले चलूंगा, चलो। हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। छोड़ो सुभाष, बस बस बस, बहुत अच्छे। अरे शुभी छत पर है तो क्या हुआ, सब मिलकर छत पर आके उसे लेने आएंगे क्या? कोई भी एक जाने से तो चलेगा ना? ना, वो उसके मछले भैया के अलावा और किसी की नहीं सुनता। जो बोलना है तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, तुम जाओ जाओ। धागा छोड़ो सुभाष, छोड़ते जाओ, एकदम सही। तब से उस पौधे के पत्ते को मैंने अपनी किताब में रख लिया। अच्छा विभा दीदी, अगर मैं ये पत्ता आपको दे दूं तो आप रखोगी? जरूर लूंगी सुभाष, तुम अपनी इतनी प्यारी चीजें मुझे दे रहे हो और मैं ना लूं? मछले भैया आओ ना, हमसे बात करो। जानते हो विभा दीदी, लावण्या दीदी ने आपका बनाया हुआ टेबल क्लॉथ मछले भैया के कमरे में लगा दिया, बहुत सुंदर लग रहा है ना मछले भैया? हम लोग वापस लौट जाएंगे, तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। वो तो आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। असल में तो विभा की माँ जल्दबाजी कर रही है, वो थोड़ी चिंतित है चारों ओर की स्थिति को देखते हुए। धर पकड़ चल रही है, लड़के लोग स्वदेशी के नाम पर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, परिवार की ओर देख नहीं रहे हैं,
उन्हें लगता है विभा के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। लेकिन आपके मझले बेटे को देखकर मुझे थोड़ा अलग सा लगा, बाकी लड़कों की तरह नहीं है। आपने ठीक कहा अक्षय बाबू, तो चलिए कोलकाता के बाद हमारी मुलाकात कटक में होगी। हाँ हाँ जरूर जरूर। अच्छा प्रणाम। आइएगा जी। कर लिया। मैजिस्ट्रेट कौन है जानते हो? किंग्सफोर्ड, वही निर्णय लेंगे। क्या कह रही हो तुम? डगलस किंग्सफोर्ड, सुना है सब लोग उन्हें नापसंद करते हैं, बहुत ही एक तरफा विचार रखते हैं, भारतीयों को इंसान ही नहीं समझते। और अरविंदो बाबू का क्या होगा अब? मैं नहीं जानती, डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। तुम जाओगे शरद? शायद जाऊंगा, पर तुम्हें मैं लेके नहीं जा पाऊंगा अनुमोसी, बहुत जोखिम है। कहां जाओगे तुम लोग? देख शुभि, सुन, कल सुबह होते ही किसी के भी जागने से पहले हम दोनों निकल जाएंगे, ठीक है? क्या हुआ, अब तो थोड़ा मुस्कुरा दे, बहुत अभिमान करना सीख गया है क्या? हंस थोड़ा सा, हंस। कल हम दोनों भाई एक साथ जाकर उनका समर्थन करेंगे, दिल से यही चाहेंगे कि अरविंदो बाबू की रिहाई हो जाए। आज मुझे शर्म आ रही है शुभी, इन्होंने इनके जैसे एक महान इंसान को गिरफ्तार किया है। क्या किया भैया ने? क्या हुआ? पुलिस उस भैया को पकड़ कर क्यों ले जा रही है भैया? कुछ बोलूंगा, पहले यहाँ से चल तो सही। तू रहता कहाँ है बेटा? कटक में। हाँ? कटक में? मैं यहाँ घूमने आया हूँ। फिर तो घर पर सब बहुत चिंतित होंगे रे। एक तो यहाँ इतना अंधेरा है, ऊपर से शहर में आज बहुत अशांति है। आपने बताया नहीं, क्यों मारा उन लोगों ने स्वदेशी भैया को? शुभी कहाँ है शरद? ताइमा, शुभि का कोई पता नहीं लग पाया। शुभि, शुभि, माँ, माँ, माँ। जाओगे? Beat him! नहीं! अरे मार क्यों रहे हैं आप इसे? इसने आपको जानबूझकर नहीं मारा, क्यों मार रहे हैं इसे? ये तो
तो छोटा है, खेल रहा था। Hey, who are you? How dare you stop me like this? मैं सुभाष हूँ, सुभाष चंद्र बोस। आप इसे मार नहीं सकते। मैं किसी भी हाल में आपको इसे मारने नहीं दूंगा। लती को माफ कर देना ही उचित है, नहीं तो बहुत बड़ी अशांति हो सकती है। देख रहे हैं ना, देश के लोग जाग रहे हैं। सुभाष के जैसा एक छोटा लड़का, वो भी विरोध करने आगे चला रहा है। किसी को भी डंडा मारना बंद कीजिए। सावधान हो जाइए साहब, सावधान हो जाइए। चलो सुभाष। अब ये बता, पहले शुभी को ढूंढ के निकालना होगा, बाकी बातें बाद में हो सकती हैं, लेकिन अभी उसे ढूंढना जरूरी है। आप एक बार थाने जाकर आइए, जाकर देख आइए, आप वकील हैं, आपको सोच समझकर उन लोगों को बोल दीजिएगा। प्रभा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बेटे बड़े होकर बाप की चिंता दूर करते हैं, पर यहाँ तो बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। जिसके ऊपर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, मेरा बेटा शरद, उसने मेरी आशाएं और भरोसे को चकनाचूर कर दिया। शरद, मजले भैया, ये किस देवी की मूर्ति है? ये उस देवी की मूर्ति है जो माता कहलाती है, भारत माता। भारत माता, हमारे देश के नाम की देवी। क्या इन्हें ही सब भारत माता कहते हैं? हम यहाँ पर भारत माता की पूजा करते हैं, हमारी देश माँ भारत माता। जाओ, अब तुम लोग सब अपने अपने काम पर जाओ। और सनातन, सुनो, ये है सुभाष, सुभाष चंद्र बोस। ये कलकत्ता आए हैं, घर कोदालिया में है। तुम एक बार कोदालिया में जाकर बोस परिवार का पता करो तो। जब पता चल जाए तब सुभाष की खबर उन्हें देना, वो जरूर बहुत चिंतित होंगे। जाओ। आज्ञा। हिंदी में लिखी है, मैं तो ठीक से हिंदी नहीं पढ़ पाता, कैसे पढ़ूंगा फिर मैं इसे? तू अपनी मातृभाषा नहीं जानता? तो फिर देश के लोगों की अंतरात्मा की भाषा कैसे समझेगा तू? तो क्या मैं सबकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा? क्यों नहीं कर पाएगा, जरूर कर पाएगा। देख, भारत माता तुझ जैसे वीर संतान की तरफ ही देख रही है। स्वामी विवेकानंद, आदरणीय स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे पता है? कठोपनिषद की बातें, उठिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरन निबोधत। जाग्रत, उठो, जागो, आगे बढ़ो, जब तक लक्ष्य हासिल ना हो रुको मत। निशिता दुर्गम पथ कर रहे हैं, ये कुछ नहीं सुन पा रहे हैं। ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने भी है वो दीप की ज्योति। देखते रहो, आगे बढ़ो।
बैठ जाओ। घर से कोई अगर जाकर सुभाष को आश्रम से वापस ले आए, कहाँ से ले आना पड़ेगा शुभी को? मोहन महाराज के आश्रम से, ये वहीं से आए हैं। ये कह रहे हैं कि सुभाष उनके आश्रम में है, तो एक काम कर, तू सुरेश को साथ लेकर जा। सुरेश तो थाने में गया है। सुरेश थाने में? ये क्या बात हो गई? बाबा और सतीश भी तो थाने में ही गए थे, तो तू किसको साथ लेकर जाएगा? मैं जाऊंगा सुभाष को लेने। तू अकेले? देख शरद, तू अकेला जाएगा तो जा, लेकिन खबरदार इधर उधर मत घूमते रहना। शुभी को लेकर सीधा घर आएगा, घर की स्थिति तो तू जानता ही है। आप चलिए, जल्दी चलिए। आइए चलिए। पापा आप परेशान मत होइए, थोड़ा शांत हो जाइए। शरद गया है ना शुभी को लाने, उसी कारण तो मैं और भी अस्थिर हो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ। सतीश, सुबह शरद ही ले गया था सुभाष को कोर्ट में। जो भरोसा मेरा शरद के ऊपर था उसने आज तोड़ दिया। जब तक वो लोग वापस नहीं आएंगे मैं निश्चिंत कैसे रहूंगा? ये तुमने क्या किया शरद बेटा? हम सबको तुम पर कितना गर्व था। मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या जवाब दूंगी मैं सबको? शुभी, शुभी, मछले भैया, शुभी, कहाँ चला गया था? उसकी मन की शक्ति इतनी है कि मौत उसे आसानी से छू नहीं पाएगी। तू चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। पर तूने जो वादा किया था कि तू मार खाना बंद कर देगा, उसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा सुभाष। रोज सुबह मन को एकाग्र करना, और जो मंत्र तूने सीखा है उस मंत्र के मार्ग पर ही चलना। कौन सा मंत्र? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा भैया। ये क्या शरद, तुम कल रात को गए थे और आज सुबह घर लौटे हो। तुम्हें पता नहीं कि बाबा और माँ परेशान होंगे? रास्ते में कोई गाड़ी नहीं थी। अच्छा, तो तूने एक तरह से ठीक ही किया है जो शुभी को लेकर आज सुबह घर लौटे। कलकत्ता के रास्ते में रात को कोई खतरा हो सकता है। सुरेश, सुभाष को लेकर अंदर जाओ। मैं भी अंदर जाती हूँ। दोनों लड़कों ने कल रात से कुछ नहीं खाया होगा, मैं खाने का बंदोबस्त कर देती हूँ। जिसे स्वीकारा नहीं जा सकता, ये जवाब वैसा ही तो नहीं सतीश। ठीक है, शरद का बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम्हें शरद के ऊपर नजर रखनी है ताकि वो गलती ये दोबारा ना करे। तुम्हें ही इसे रोकना होगा सतीश, इसका चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारी माँ से बात करके मैं कल ही अक्षय बाबू के घर जाकर शरद की शादी की बात पक्की कर दूंगा। शरद, मैंने तुम्हें पहले ही सावधान किया। देश की हालत देखकर सोचता था कि देश के लिए काम करूंगा, लेकिन तभी घर के सब लोगों के चेहरे याद आ जाते थे। सोचता था माँ का क्या होगा, बाबा क्या करेंगे, और शुभी, वो अपने मजले भैया को बिना देखे रह नहीं पाएगा। हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचूं? नहीं बड़े भैया, नहीं। इसके बाद और कोई दुविधा नहीं रह सकती।